हेलो नमस्ते। और मैं आपके सामने मेरे एक नया YouTube वीडियो लेके आ रहा हूँ, और आप मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर और घंटी को दबाइए। और मैं आप आज का ब्लॉग में आपके लिए एक रेसिपी लेके आ रहा हूँ, और वो रेसिपी है मछली का रेसिपी। आपको दिखा रहा हूँ मछली कैसी बनाते हैं। दोस्तों चलिए, मैं मछली की रेसिपी के लिए थोड़ा सा प्याज और अदरक और लहसुन ले रहा हूँ, उसका एक साथ में पेस्ट बना देता हूँ। प्याज का छिलका उतार देते हैं, उसका अच्छी तरह थोड़ा साफ कर लेता हूँ, फिर इसको काट देता हूँ। प्याज तो हो गया, उसमें थोड़ा जीरा डाल देता हूँ और इसको अभी ग्राइंडिंग के लिए ले लेता हूँ। अब पेस्ट बन के तैयार है। चलिए अब हम कढ़ाई बैठाते हैं और इसमें थोड़ा सा तेल है, इसमें मछली डाले थे तो बचा था, उस तेल को थोड़ा गर्म कर लेता हूँ। और भी थोड़ा तेल डाल देता हूँ, तेल में तल के रखा था इसमें सुबह, और अभी बनाने जा रहा हूँ। तेल गर्म हो गया है, अभी इसमें दो ठो मिर्चा तोड़ के डाल देता हूँ। लाल होने तक लाल होने तक थोड़ा ऐसे भिजाना पड़ेगा, नहीं तो नीचे लग जाएगा। इसमें टमाटर काट के ले रहा हूँ, थोड़ा लाल बनेगा ये। आलू को मैं पहले से धो लिया था और फिर से थोड़ा अच्छी तरह धो लेता हूँ। अब आलू कट गया है, उसको ले रहा हूँ। अब स्मेल आ रहा है, अभी थोड़ा पक गया है और उसमें थोड़ा मसाला डाल रहा हूँ, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, और इसमें थोड़ा धनिया पाउडर, चिकन पाउडर आपको मिला देता हूँ। आप थोड़ा बढ़िया खुशबू आ रहा है, देखिए। अब मसाला हो गया है, अब उसमें थोड़ा डाल रहे मिर्चा पाउडर, और थोड़ा ये गरम मसाला,
वाला खुशबू आता है और उसका भी बहुत टेस्ट है, मछली का टेस्ट आएगा। इसे बोलते हैं खड़गपुर मसाला। कलर आ गया अभी थोड़ा, कलर और खुशबू मजेदार खुशबू आ रहा है, पूरा मसाला करी बनेगा। इसमें थोड़ा आलू डाल रहा हूँ, आलू को तला नहीं हूँ, वैसे ही कच्चा आलू डायरेक्ट डाल देता है। आलू को थोड़ा पकने देता हूँ, तो देखिए कैसा बना है। हाँ ये तो हो गया है, इसमें थोड़ा पानी दे देता हूँ, आलू पक जाएगा। घूम तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो गरम चावल खा नहीं जाएंगे। चेक कर लेते हैं आलू पका या नहीं पका है। आलू पक गया है और इसमें डाल देते हैं हम मच्छी। मेरा मछली कैसी लगता है मैं चावल के साथ खा के मैं आपको बताता हूँ। अभी हम खाना खा रहे हैं, देखते हैं मछली कैसी बना है। ये हमारा मछली पूरा पक के तैयार है और उसे मेरा मछली कैसी लगता है चावल के साथ खा के मैं आपको बताता हूँ। अभी हम खाना खा रहे हैं, देखते हैं मछली कैसी बना है। मस्त, बहुत बढ़िया बना है मछली।
लेकिन मैं हिंदी इसीलिए बोल रहा हूँ हिंदी में। हमारे देश में 90% लोग हिंदी को जानते हैं, इसीलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ।